सादर प्रणाम। आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के वीडियो में बात करें आगे, जो हम सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ रहे थे उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं, और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। लास्ट वीडियो में हमने प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ा था, क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा था, और बिफोर लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था क्रोमोप्लास्ट के बारे में और ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। मीन सेल ऑर्गेनेल्स को थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर रहे हैं, जिससे कि उनसे रिलेटेड जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो पूछे जब जाते हैं तो हम उनका आंसर फाइंड आउट कर सकें। फिर एक बार हम कहते हैं कि ये बिल्कुल इंटरमीडिएट है, ना तो बहुत बेसिक चल रहा है और ना ही बहुत ज्यादा डिटेल चल रहा है, एक बीच वाली रेंज यहाँ पर चल रही है, जिसमें कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कुछ इंक्लूडेड हो जाता है। एक आगे वाले स्टेप पर जाने के लिए इतनी जानकारी होना जरूरी है, उन्हीं चीजों को फिलहाल इन वीडियोज में हम शामिल कर रहे हैं। शुरू करते हैं बिना समय गवाए। आज के वीडियो में जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का विद्युत ग्रह। देखिए, एक पहले जनरल बात कर लेते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो सामान्य चीज हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम जानते हैं वो ये है कि हमारी कोशिकाओं को एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे हम अपने डे टू डे रूटीन की भी बात करें, अगर हम खाना ना खाएं तो हम क्या करते हैं, काम नहीं कर पाते हैं। ये एक ब्रॉड एग्जांपल ले रहे हैं कि सपोज हमने खाना नहीं खाया, ब्रेकफास्ट नहीं किया, लंच नहीं किया, डिनर नहीं किया, नेक्स्ट डे भी ऐसा कुछ जाता है कि हम खाना नहीं खा पाते हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं जो वर्क एफिशिएंसी है, मींस जो काम करने में जो हमें शक्ति पावर मिलती है, वो कहीं ना कहीं लॉस होने लगता है और हमें फूड की जरूरत होती है। ऐसे ही हमारे जो छोटी छोटी सेल्स हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी जिससे बनी हुई है, उन सेल्स के लिए जरूरी है कि हमें एनर्जी मिले। तो सेल्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है? सेल्स को एनर्जी मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए क्योंकि जो सेल के लिए एक एनर्जी प्रोवाइड कराने का, एनर्जी बनाने का काम करता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, हिंदी में हम कहें तो विद्युत ग्रह, कोशिका का विद्युत ग्रह। परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से किस ऑर्गेनेल को कोशिका का विद्युत ग्रह कहा जाता है। ऑर्गेनेल मीन्स कोशिकांग को कोशिका का विद्युत ग्रह कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है जो कोशिकाओं के लिए पावर बनाने का काम करता है, यानी कि पावर हाउस ऑफ अ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को अगर अंग्रेजी की बात करें तो कहा जाता है कोशिका का, सॉरी अंग्रेजी की अगर बात करें तो कहा जाता है पावर हाउस ऑफ अ सेल, यानी कि पावर हाउस के तरीके से नाम दिया गया है इसको। जैसे हम राइबोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं या अन्य चीजों के बारे में पढ़ते हैं, बाकी बात के जैसे जैसे ऑर्गेनेल आएंगे वैसे करेंगे, फिलहाल बात करते हैं। अब देखिए, जब हम ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, शुरू कर लेते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड है वो कहाँ से जेनरेट हुआ। ठीक है, हमने लगभग हर शब्द को कोशिश की है कि उनके नाम से उसको समझा जा सके। तो माइटो और किससे बना है, कॉन्ड्रियन, सी एच ओ एन। देखिए, माइटो और कॉन्ड्रियन दो वर्ड हैं जिनसे ये बना है। ओके, डी आर आई ओ एन। अब बात करते हैं माइटो का मीनिंग क्या होता है। माइटो का मीनिंग होता है यहां पर थ्रेड लाइक, यानी कि धागे के तरीके से। ठीक है, माइटो का मतलब होता है थ्रेड, यानी कि धागा, और कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रेन्यूल या कण, जिसको हम कहें ग्रेन्यूल। ठीक है, हम इसको क्या कहते हैं, हिंदी की अगर बात करें, सूत्रकणिका भी बोला जाता है इसको। सूत्रकणिका मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्र मीन्स थ्रेड, ग्रेन्यूल मीन्स कणिका, कण। ओके, तो क्या नाम माइटोकॉन्ड्रिया का मीनिंग क्या हुआ इसमें, माइटो और कॉन्ड्रियन से मिलकर बना है माइटोकॉन्ड्रिया, जो किसके शब्द हैं, ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये किसके वर्ड हैं, ग्रीक लैंग्वेज से लिए हुए शब्द हैं। अब बात करते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया है, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, क्योंकि आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सामान्य माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में, साथ ही उसके स्ट्रक्चर के बारे में,
माइटोकॉन्ड्रिया का बॉडी के लिए क्या काम होता है, इन चीजों को आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आगे बात करते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, सन 1880 की बात है, कोलीकर है, कोलीकर नाम के वैज्ञानिक ने, कोलीकर या कोलीकर जो भी आप लिखना चाहे पढ़ना चाहे आप उसे वो पढ़ लीजिएगा, सबसे पहले जो इंसेक्ट्स हैं उनमें इनको देखा गया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको हम इंक्लूड कर रहे हैं। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को किसमें देखा गया था, इंसेक्ट्स में देखा गया था, और इंसेक्ट्स की भी स्ट्रेट सेल्स थी यानी कि रेखित पेशियां थी, रेखित सेल्स थी, उनमें इनको देखा गया था। और सबसे पहले किसने देखा था, कोलीकर ने देखा था, यानी कि रेखित पेशियों में इंसेक्ट्स की उसको देखा गया था। बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहले सूत्रकणिका को किन में देखा गया। क्वेश्चन दोनों तरीके से था, पहला प्रश्न ये था सबसे पहले किस में देखा गया, इंसेक्ट्स वगैरह सारे थे उसमें एग्जाम्पल, तो इंसेक्ट्स में देखा गया। सेकेंड उसमें जो क्वेश्चन हमें मिला वो क्वेश्चन ऐसा मिला कि उसमें सेल्स के बेस पर पूछा गया था, जैसे स्ट्रेटेड सेल्स पूछा गया या स्ट्रेटेड मसल्स पूछा गया, सॉरी सेल्स नहीं मसल्स की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेटेड मसल्स उसका करेक्ट आंसर था। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, यहाँ किसमें देखा गया था, इंसेक्ट्स की रेखित पेशियों में सबसे पहले कोलीकर ने इसको देखा था। ओके, याद हो गया होगा, जितनी बार हमने रिपीट कर दिया उतनी बार में तो ये याद ही हो गया होगा। अब बात करते हैं आगे, इसके ठीक 10 साल बाद यानी कि 1890 में अल्टमैन है, ठीक, अल्टमैन नाम के वैज्ञानिक थे। अल्टमैन ने क्या काम किया, क्योंकि जब हमने पढ़ा है कि जब कोई चीज आगे बढ़ जाती है तो आगे बढ़ने के बाद एक स्टेप बन जाता है और लोग उस पर रिसर्च करना शुरू कर देते हैं, उसके बारे में डिटेल निकालनी शुरू कर देते हैं, तो वही क्रम आगे बढ़ाया अल्टमैन ने। अल्टमैन ने सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा और उसके बारे में उसके डिस्क्रिप्शन दिए, लेकिन उन्होंने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कहा था, उन्होंने इसको कहा था बायोप्लास्ट। क्या कहा था, बायोप्लास्ट, अभी तक ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था। सी बेंडा जो थे, सी बेंडा ने ये काम किया, हिंदी में लिखू मैं, सी बेंडा ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को ये नाम दिया था, और अल्टमैन के बाद यानी कि 7 साल के बाद की बात है ये, 1897 की बात है, जब सी बेंडा ने क्या काम किया, सबसे पहले इसको माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगेन, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था सी बेंडा ने। ध्यान कीजिएगा, कोलीकर ने सबसे पहले इंसेक्ट्स में देखा था, जो स्ट्रेटेड मसल्स थी उनमें यानी कि रेखित पेशियों में। अल्टमैन ने उसका उल्लेख किया लेकिन उसको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कहा था, उन्होंने कहा था बायोप्लास्ट। ओके, बात करें अब सी बेंडा की, सी बेंडा थे जिन्होंने सबसे पहले इसको कहा था कि ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, मींस माइटोकॉन्ड्रिया का नाम जो दिया गया था वो इनके द्वारा दिया गया था। सबसे पहले इसको क्या कहा, किसने, माइटोकॉन्ड्रिया कहा, और किसने कहा, सी बेंडा ने। तो इतने ही में अभी तक 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब बात करते हैं कि जो ये साइज है इनका किस तरीके का साइज है। देखिए, अगर साइज की बात करें, अभी अभी हमने प्लेस्टिड्स को खत्म किया है, मींस प्लेस्टिड्स के बारे में पढ़ा था, तो जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लेस्टिड्स से साइज में यानी कि जो लवक होते हैं उनसे साइज में छोटे होते हैं, और कैसे होंगे, छड़ के आकार के भी हो सकते हैं यानी कि रॉड शेप भी हो सकते हैं, या सॉरी स्फेरिकल भी हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के क्या है इनके आकार हैं, कई बार ये फिलामेंटस भी होते हैं, और इनको माइटोकॉन्ड्रिया कहा गया। लेकिन एक चीज और यहाँ पर हम ऐड करना चाहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को कई बार कॉन्ड्रियोसोम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉन्ड्रियोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोसोम कहा जाता है, कभी कभी कुछ वैज्ञानिक माइटोकॉन्ड्रिया के लिए कॉन्ड्रियोसोम नाम के शब्द का यूज करते हैं। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि वैसे तो जितनी लिविंग सेल्स होती हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, सब में माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, सिवाय किसके, एक तो ये बैक्टीरिया में नहीं मिलता है, दूसरा जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं उनमें नहीं मिलता है, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी और एल्गी,
और इसमें नहीं मिलता है, इसमें नहीं मिलता है। बाकी जितनी लिविंग सेल्स होती हैं, प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, उनको छोड़ दें, किनको, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को अगर हम छोड़ दें, सब में मिलता है। अब बात करें कि इनकी लेंथ कितनी होती है, लेंथ होती है इनकी 3 से लेकर 5 μm, ठीक है, 3 से लेकर 5 तक μm ये लंबे होते हैं। इनका व्यास यानी कि रेडियस होता है 0.5 से लेकर 1.0 μm तक। अब बात करते हैं कि जो पूरी सूत्र, पूरे थ्रेड की, अगर इसकी पूरा जो क्या कहना चाहिए, फिलामेंटस माइटोकॉन्ड्रिया होता है, फिलामेंटस माइटोकॉन्ड्रिया की जो टोटल लेंथ होती है वो होती है 40 μm। आप एक चीज को ध्यान में रखिएगा यहां पर कि जो इनका साइज होता है, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड से भी साइज में छोटे होते हैं। अब यहां पर हमने क्या किया कि हम उसके, ये तो थी जनरल डिटेल जो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थी, अब हम यहां पर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को। हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए यहां पर कुछ इस तरीके का शू शेप जैसा दिखाई दे रहा है आपको। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। बात करें स्ट्रक्चर की, कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्लांट सेल से रिलेटेड इसमें एनिमल से थोड़ा डिफर होती हैं। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम देखें तो हम समझ जाएं कि ये एनिमल माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया है। अब बात करते हैं कि क्या है उसका जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर, परा संरचना या स्ट्रक्चर की जो हम बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। क्लियर, सबसे पहले जो आपको ये आउटर शेप दिखाई दे रही है, जब भी ऐसी आउटर शेप आपको दिखाई दे तो ये समझ जाइए कि ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। अमूमन सेल्स में किस तरीके से हम उसको इंडिकेट करते हैं, जब हम सेल संरचना पढ़ते हैं, जैसे कि हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल पढ़ा था, तो हम इस तरीके का एक गोल सा दिखाते हैं और हम इस तरीके से उसको इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे वहां हमने इसको ऐसे दिखाया था और अब हम यहां पर इसको ऐसे पढ़ रहे हैं। देखिए वहां हमने पूरे सेल की स्टडी की थी, तो सारे सेल ऑर्गेनेल को डिटेल वहां पर बना पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी सेल एक फॉर्म करनी पड़ेगी, तब हम सारे ऑर्गेनेल के डायग्राम उसमें बना पाएंगे। उसके लिए बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म चाहिए होगा, मीन टू से इतने पूरे बड़े पर एक सेल का हो, और इतना आप सोच लीजिए हम सेल बना रहे हैं, इतना बड़ा हमने उसमें माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, फिर हमने उसमें प्लास्टिड्स भी दिखाने की कोशिश की, हम उसमें गॉल्जी एपरेटस भी प्रॉपर फाइन स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए ये वहां पर जगह कम होने की वजह से मीन सेल स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है, ऑर्गेनेल का इंट्रोडक्शन करना है, इसलिए ऐसे दिखाया जाता है। फिलहाल आते हैं यहां पर, देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये डबल लेयर्ड होता है, यानी कि बाहर से क्या होता है, दो लेयर इसकी होती हैं, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और ये आपको दिखाई दे रही होगी इनर मेम्ब्रेन। ये बाहर की तरफ जो है ये वाली, ये होती है आउटर मेम्ब्रेन, लिखा भी है यहां पर, और ये होती है इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है जिसे बोला जाता है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ये जो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस होता है, इस इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में कुछ एंजाइम होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम को हिंदी में विकर कहा जाता है, तो अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं और विकर लिखा है, विकर मीन टू से एंजाइम, तो इस स्पेस के बीच में कुछ एंजाइम यहां पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अंदर, आपको इस तरीके का ये इरेगुलर फॉर्म में या रेगुलर जैसा भी है आपको फॉर्म में एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, ये मेम्ब्रेन क्या होती है, स्मूथ होती है। स्मूथ मतलब इस तरीके के ये कुछ चपटे चपटे सेक्शंस जरूर होते हैं आउटर मेम्ब्रेन पर, लेकिन किसी भी तरीके का अन्य ना तो ग्रोथ होती है, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं होता। अब बात करें इनर मेम्ब्रेन की। इनर मेम्ब्रेन जो होती है, ये जो अंदर वाला पार्ट होता है, एक लिक्विड मीडियम होता है जो क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स क्या होता है, पहले इसकी बात करते हैं। मैट्रिक्स एक जेल जैसा होता है, एक प्रोटीन का या प्रोटीनस होमोजीनस जेल लाइक यहां पर मीडियम होता है, पदार्थ होता है, जो पूरे इसमें क्या होता है, बिखरा हुआ होता है। जो इनर मेम्ब्रेन होती है, ये इनर मेम्ब्रेन या तो इस मैट्रिक्स में धसी हुई होती है, या फिर कई बार उंगली जैसी संरचनाओं में आपको ये दिखाई दे रहा होगा,
कई बार उंगली जैसी संरचनाओं में भी ये परिवर्तित हो चुकी होती है। अब ये जो उंगली जैसी संरचनाएं हैं, इनको बोला जाता है क्रिस्टी। ये क्या होती हैं? ये होते हैं क्रिस्टी। क्या कहे जाएंगे? क्रिस्टी। क्लियर? यहां पर डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये इंक्लूजन होते हैं। फिर ये आपको डीएनए थ्रेड दिखाई दे रहा है, यहां पर ये डीएनए होते हैं। फिर ये है इंटर क्रिस्टल स्पेस, यानी कि क्रिस्टी के बीच में जब इस तरीके का लोब आता है, जैसे इस तरीके का ये लोब है यानी कि क्रिस्टी है, इनके बीच का ये जो स्पेस होता है ये बोला जाता है इंटर क्रिस्टल स्पेस। क्लियर हो गया? अब देखिए ये क्रिस्टी है। क्रिस्टी, हमने अभी कहा कि जो क्रिस्टी की संरचना होती है यहां पर क्या काम करती है, वो ये काम करती है कि जो मैट्रिक्स है कई बार उसमें धसी हुई होती है, कई बार उंगली के रूप में वो दिखाई देती है। अगर आप उसे कंपेयर करें तो इसी तरीके का वो दिखाई देता है। क्रिस्टी के एक सेक्शन को एक्सपेंड करके दिखाया गया है, ये वाला सेक्शन हमने लिया है और इस सेक्शन को एक्सटेंड करके यहां पर दिखाया गया है। क्रिस्टी ये जो है इस तरीके के दाने जैसी कुछ संरचनाएं होती हैं जो इसके चारों ओर लिपटी हुई होती हैं। मतलब यहां पर जितनी ये इस दाने जैसी संरचनाएं इसमें लगी हुई होंगी, इनको बोला जाता है F1 पार्टिकल। कुछ साइंटिस्ट इसे ऑक्सीसोम्स भी कहते हैं, तो दोनों नाम आप ध्यान में रखिएगा, F1 पार्टिकल और ऑक्सीसोम। ये जो F1 पार्टिकल होते हैं, ये F1 पार्टिकल या F1 कण क्या होते हैं, इनकी संरचना को एक बार समझ लें। देखिए F1 पार्टिकल या ये जो कण होते हैं, तीन तरीके का इसमें संरचना होती है, यानी कि ये होता है जो पार्टिकल हम वहां पर दिखा रहे हैं, ये पार्टिकल होता है इस तरीके का, ये इसका बेस होता है, ये इसका स्ट्रोक होता है और ये इसका नॉब या हेड होता है। मींस ये होता है बेस, ये होगा स्ट्रोक और ये होगा हेड, कहीं कहीं इसे नॉब भी लिखा हुआ मिल रहा है। और ये किसकी संरचना है? एक्सपेंडेड दिखा रहे हैं हम किसकी? F1 पार्टिकल की। यानी कि ये वाली जो संरचना है ये इस तरीके की होगी। क्लियर हो गया? अब ये देखिए, हमने यहां पर एक मैट्रिक्स की बात की, हमने कहा कि ये वाला मैट्रिक्स क्या होता है, एंजाइम इसमें उपस्थित होते हैं, इसमें क्या होते हैं, प्रोटीनस होमोजीनस जेल टाइप का होता है। इन दोनों में किसी तरीके का, अब आप ये कह सकते हैं, दिन में आप मन में क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स हमने लगभग एक जगह इंडिकेट किया है, तो ये दोनों क्या मिल जाते हैं? ये दोनों एक्चुअली सेपरेटेड नहीं होते हैं। सेपरेटेड इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि कुछ जगहों पर ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो रैप्चर्ड हो चुकी होती है, जैसा कि हमने यहाँ स्टार्टिंग में दिखाने की कोशिश की। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, ये दोनों जो मीडियम है इन दोनों का आपस में मिक्सिंग हो जाती है, ये दोनों मीडियम आपस में मिक्स हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मेजोरिटी से अगर आप देखें तो एक पार्ट इसको इंडिकेटेड करता है, अदर पार्ट यहां पर क्या करेगा, मैट्रिक्स को इंडिकेटेड करेगा। अब बात कर रहे थे कि हम उसकी क्रिस्टी की। देखिए क्रिस्टी पर इसी तरीके के ये जो है, ये कई बार कहा जाता है, क्वेश्चन ऐसे अराइज होता है कि क्रिस्टी पर जो रैकेट है उस तरीके की संरचनाएं लगी हुई होती हैं, उनको क्या कहा जाता है, वो क्या होते हैं, F1 पार्टिकल। क्लियर हो गया? अब बात करें जो ये F1 पार्टिकल है, यानी कि रैकेट के आकार के जो यहाँ पर क्रिस्टी के ऊपर बहुत सारे लगे हुए हैं जिन्हें हम F1 पार्टिकल कह रहे हैं, इनकी लंबाई कितनी होती है? लंबाई होती है 70 से लेके 100 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 70 से लेके 100 एंगस्ट्रॉम की होती है। और इनके बीच में हम आगे देखेंगे, जैसे यहां पर ये है, ये इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस होती है इनके बीच की 100 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 100 एंगस्ट्रॉम के अंतर पर ये स्पेसिफिक मैनर में लगे हुए होते हैं। ठीक है, अब बात करें कि जो यहां पर ये F1 पार्टिकल है, क्रिस्टी की जो मोटाई है, कई बार ऐसा लगता है कि वो उसमें धसे हुए हैं, जैसा हमने यहाँ एक एक्सपेंडेड डायग्राम बनाया है, कई बार ऐसा लगता है कि ये इसके बीच में क्या हुआ है, धसे हुए, और कई बार ऐसा लगता है जब स्टेनिंग की जाती है कि ये इससे क्या हो रहे हैं, बाहर निकल के आ गए हैं। अब ये कहा है कि मान लीजिए जब माउंटिंग की जाती है इनकी, माउंटिंग होने के बाद ये कुछ पार्टिकल ऐसे हैं, जैसे हमने ये कहा कि ये क्या हो रहे हैं, यहां से बाहर निकल के आ जा रहे हैं।
ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर एक तरीके का एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है एटीपी सिंथेटेज एंजाइम, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। तो ये ध्यान में रखिएगा, जिसकी वजह से जब माउंटिंग होती है और तब ये यहाँ पर क्या होते हैं, बाहर निकले हुए ये इस तरीके से हमें दिखाई देते हैं। माउंटिंग के बाद कई बार ऐसा दिखता है, नहीं तो ये क्या होते हैं, जो इसकी लेयर होती है वो इसमें फंसे हुए दिखाई देते हैं। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का यही वाला डायग्राम देखिए, एक्सपेंडेड फॉर्म में हम देखें, ये आउटर मेम्ब्रेन इंडिकेटेड कर रहा है जो हमने यहाँ पढ़ी, ये क्या है, आउटर चैम्बर बना रहा है, ये आपकी है इनर मेम्ब्रेन, और ये पूरा एक क्रिस्टी का और एक्सपेंडेड फिगर यहाँ पर बनाने की कोशिश की है, आप इसको पहचान ही गए, ये क्या है, F1 पार्टिकल है। हमने अभी कहा माउंटिंग जब होती है तो उस समय क्या होते हैं, कई बार ही अपनी कला से यानी कि मेम्ब्रेन से बाहर दिखाई देते हैं। बात करते हैं हम इसकी, ये जो यहाँ पर ये एक ऐसे ब्लू कलर के छोटे छोटे दानों जैसी संरचना ऊपर और नीचे यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ये और ये भी दिख रही होगी, ये और ये भी आपको दिख रही होगी। ये जो ऊपर दानों जैसी संरचना है ये प्रोटीन लेयर है और नीचे जो है वो रेस्पिरेटरी चेन है। बीच में रेड कलर का आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये लिपिड की लेयर है, लिपिड। अब डायग्राम आपको वहां से क्लियर नहीं आ रहा होगा इसलिए यहाँ पर बना के मैं एक बार दिखा देती हूँ कि जो लिपिड लेयर है, अंदर वाला डायग्राम आपको ध्यान आ रहा होगा, जब हमने प्लास्टिड्स पढ़े थे हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, प्रोटीन लेयर के बीच में पढ़ा था, प्रोटीन लिपिड, प्रोटीन लिपिड लेयर हमने पढ़ी थी जो, तो ये वही वाली लेयर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये इस तरीके से हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक हमने चित्र बनाया था तब भी, तो ये रेड वाले फिगर ऐसे ही हैं। ये रेड वाले फिगर क्या है, हाइड्रो, ये इस तरीके के लिपिड लेयर को इंडिकेट कर रहे हैं। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं कि हमने कहा कि यहाँ पर क्या होती है, एक रेस्पिरेटरी चेन होती है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है, और इसी के बीच में जो इनर मेम्ब्रेन होती है, ये सारे के सारे जो रिलेटेड एंजाइम होते हैं वो इस इनर मेम्ब्रेन में यहाँ पर उपस्थित होते हैं। देखिए क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर कंपार्टमेंट है, जो इनर कंपार्टमेंट है, हम क्रेब्स साइकिल के बारे में बात करेंगे, हालांकि वो बहुत डिटेल है, बाद में बात करेंगे, लेकिन जहां हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं वहां क्रेब्स साइकिल का जिक्र तो होगा ही होगा। तो जो क्रेब्स साइकिल है उसके एंजाइम मान लीजिए बहुत सारे इनर मेम्ब्रेन में, उससे रिलेटेड जो लवण है वो मान लीजिए, और जितने वहां पर एंजाइम है, डीएनए है, वाटर है, आरएनए है, वो सारे के सारे यहाँ पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब एक चीज यहाँ पर यह है कि जो यहाँ पर डीएनए हमने ही दिखाया, ये डीएनए कैसा होता है, ये डीएनए क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा, और दूसरी चीज ये डीएनए ऐसा होगा जो सर्कुलर डीएनए होगा, ये होगा जो सर्कल फॉर्म में होता है। आगे डीएनए की डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स आते जाएंगे, उनके लिए अलग वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे, वो यहाँ पर क्या होते हैं, इनर मेम्ब्रेन में ये सारी चीजें उपस्थित होती है। हमने पढ़े थे प्लास्टिड्स को, हमने कहा था उसमें ये सारी चीजें उपस्थित होने की वजह से ये सेमी ऑटोनॉमस हो जाते हैं, मीन्स अर्ध स्वतः जनन प्रक्रिया ये करते हैं। वही चीज यहाँ पर होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में भी चूंकि ये सारी चीजें उपस्थित है, और जब नए माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण होता है यानी कि डॉटर माइटोकॉन्ड्रियन बनता है तो मदर माइटोकॉन्ड्रियन के थ्रू ही बनता है, यानी कि ऑटोमेटिक जितने नंबर्स चाहिए होते हैं सेल में, वो उन सेल में माइटोकॉन्ड्रियन के नंबर्स को मेंटेन करने का काम करता है। दूसरी चीज, एक केमिकल कंपोजिशन की बात करें, यानी केमिकल कंपोजिशन के अंतर्गत हमने अभी पढ़ा प्रोटीन के बारे में, हमने पढ़ा फॉस्फोलिपिड्स के बारे में, मीन टू से लिपिड के बारे में, आरएनए के बारे में, डीएनए के बारे में, तो सबसे ज्यादा जो मात्रा होती है वो किसकी होती है, प्रोटीन की, यानी कि 65 से लेकर 70% तक इसमें क्या होगा, प्रोटीन होगा, उसके बाद दूसरे नंबर पर इसमें होगा फॉस्फोलिपिड। क्लियर हो गया? तो ये तो थी संरचना के बारे में, जो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर था उससे संबंधित डिटेल्स। अब बात करते हैं आगे माइटोकॉन्ड्रिया के क्या काम है, क्योंकि अभी हमने कहा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है
वो माइटो, एक चीज यहाँ पर हमने शुरुआत में कही थी आपसे कि जब हम प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे और एनिमल माइटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे तो हम उसमें अंतर कर सकते हैं। तो देखिए, हमने कहा था कि यहाँ पर क्या होती है, क्रिस्टी होती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं, जैसे विलाई जैसी फॉर्म होती है, लेकिन जब हम एनिमल माइटोकॉन्ड्रियन को पढ़ते हैं, मैं शॉर्ट डायग्राम बना रही हूँ यहाँ पर, तो इस तरीके से कुछ ट्यूब्स सी दिखाई देती हैं, उनको यहाँ पर क्या कहा जाता है, ट्यूब्यूलाई। तो जहां आप ट्यूब्यूलाई देखें तो समझ जाइए कि वो किसका स्ट्रक्चर है, वो प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे कि बात कर रहे थे हम किसकी, जो इनके काम है माइटोकॉन्ड्रिया के, उसकी। हमने कहा पावर हाउस कहा जाएगा सेल को, यानी कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन की जो मेन क्रियाएं होती हैं वो इसी के अंदर संपन्न होती हैं, यानी कि यहीं पर वो क्रियाएं पूर्ण होती हैं। फिर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होगा, और जब कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी तो एडीपी से किसमें कन्वर्जन हो जाएगा, एटीपी में, यानी कि एडीपी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी में। अब एडीपी क्या है, एडीपी है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, दोबारा लिख देती हूँ मैं इसको, एडीपी क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडीपी किसमें बदल जाएगा, एटीपी। और एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि डाई मीन्स टू फॉस्फेट, जब एक और फॉस्फेट उसमें ऐड हो जाएगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो क्या बना लेगा, एडीपी से बन जाएगा वो एटीपी। अब देखिए, जब एटीपी बनता है, एटीपी को एनर्जी कॉइन कहा जाता है, यानी कि ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है, क्योंकि ये उच्च ऊर्जा वाला मतलब उत्पादन करता है, और एक ऐसा यौगिक होता है, एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि बहुत ज्यादा जिसमें एनर्जी होती है, तो इसको क्या कहा जाता है, ऊर्जा मुद्रा, एनर्जी कॉइन, इसका नाम ध्यान में रखिएगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का है ऐसे ही इसका है, लगभग सभी ऑर्गेनेल के उनके काम के हिसाब से नाम दिए गए हैं, जिससे कि उनके बारे में याद रख पाना आसान हो जाए। ठीक है, अब क्या हुआ, जब यहाँ पर कन्वर्जन हो गया है, एटीपी का निर्माण भी हो गया है, अब जितनी सेल है अलग अलग तरीके की फंक्शनिंग होगी, और जो ये ऊर्जा यहाँ पर बन रही है उस ऊर्जा का वो सेल क्या कर लेगी, एनर्जी को यूज कर लेगी, और उसी तरीके से सेल के जो अलग अलग ऑर्गेनेल है उस एनर्जी का यूज करके अपना अपना काम पूरा करेंगे। अब इस पूरी प्रोसेस में ऑक्सीजन है, एडीपी है और फॉस्फेट, माइटो क्या, कौन कौन, एडीपी लिख देते हैं यहाँ पर, और क्या होगा, ऑक्सीजन और फॉस्फेट, ठीक है, प्लस क्या होगा, फॉस्फेट, ये किसमें एंटर करेंगे, किसमें एंटर किया इन्होंने, माइटोकॉन्ड्रिया में, किसमें एंटर किया, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अब देखिए फॉस्फेट, एडीपी, फॉस्फेट, जब ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बना रहा है वो, एटीपी बना रहा है। अब क्या रिलीजिंग होगी, रिलीजिंग यहाँ बराबर करके मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, रिलीजिंग क्या होगी, इसमें एटीपी की रिलीजिंग होगी, वाटर की रिलीजिंग होगी, और क्या मिलेगा, अरे एटीपी की रिलीजिंग होगी, वाटर की रिलीजिंग होगी, और क्या बने, क्या निकलता है उसमें से, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको समझ में आ रहा होगा जब हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो किस तरीके से काम होता है, फिलहाल तो हम माइटोकॉन्ड्रियन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। अब ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है ये अलग अलग स्टेप्स में पूरी होती है। सबसे पहला जो इसका स्टेप होता है वो होता है क्रेब्स चक्र, यानी कि क्रेब्स साइकिल। ठीक है, क्रेब्स चक्र में क्या होता है, क्रेब्स चक्र में ये होता है कि जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में जितना भी घुली हुई अवस्था में एंजाइम है वो इन्हीं की वजह से क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, यानी ठीक है। और दूसरी चीज, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन्हीं की जो इंटरनल मेम्ब्रेन के अंदर जो एंजाइम उपस्थित है उन्हीं की वजह से वो क्या कर रही है, उत्पन्न हो रही है। फिर जितने भी उपापचयी पदार्थ हैं, उपापचयी मीन्स मेटाबॉलिक पदार्थ हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो किसको निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं। ठीक है,
हमने कहा कि बीच का ये जो एक सेक्शन है ये होता है रेस्पिरेटरी चेन, ये वाला नीचे वाला जो आपको सेक्शन दिखाई दे रहा होगा जिसको हमने क्या कहा था, ये क्या होता है रेस्पिरेटरी चेन। ये रेस्पिरेटरी चेन वो चेन है, ये इनर मेम्ब्रेन की तो बात कर रहे हैं हम, रेस्पिरेटरी चेन वो चेन है जो कि एंजाइम के साथ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो गया। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न हो रही है और मेटाबॉलिक प्रोसेस आगे बढ़ रही है और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल गया। अब क्या होता है, ईटीएस सिस्टम होता है जिसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहा जाता है। वो सिस्टम यानी कि ईटीएस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किससे होगा, उसके लिए इलेक्ट्रॉन से संबंधित वाहक होंगे यानी कि इलेक्ट्रॉन कैरियर होंगे, उनका क्या करेंगे, जो ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, और फाइनली इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और उसके जुड़ने के बाद वो किसका निर्माण करेगा, पानी का निर्माण करेगा। ठीक है, अब ये वाली जो प्रक्रिया है, जो पानी के निर्माण की प्रक्रिया है यानी कि जो ईटीएस है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कहाँ पर होता है ये, कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में। ये जो प्रक्रिया हो रही है कि इलेक्ट्रॉन जो कैरियर है उनके बाद इलेक्ट्रॉन जुड़ जा रहा है ऑक्सीजन के साथ और वाटर यहाँ पर बन रहा है, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया किसके अंदर हो रही है, क्रिस्टी में। तो ध्यान रखिएगा कहाँ हो रहा है, कौन सी प्रक्रिया। अब बात करते हैं कि जब यहाँ पर जल का भी निर्माण हो गया, अब यहाँ पर आता है एक पीएस, पीएस यानी कि फॉस्फोरिलेटिंग सिस्टम जिसको बोला जाता है। जब ये रेस्पिरेटरी चेन होती है ये आगे बढ़ती है और इससे जुड़ा रहता है और उसके बाद जब फॉस्फेट उसको साथ ऐड हो जाता है, क्योंकि फॉस्फोरिलेटिंग सिस्टम है, जब ये फॉस्फेट ऐड हो जाता है तो किसका निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है। और यही जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, ये सिस्टम F1 पार्टिकल्स और एटीपी सिंथेसिस एंजाइम से ही बना हुआ होता है। जो पूरा ये आपकी प्रक्रिया चित्र से आप कोरिलेट कर सकते हैं, इसीलिए डायग्राम पहले बना दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए उपस्थित होता है, चित्र दिख ही रहा है, ठीक है ना। इसी वजह से इनमें क्या टेंडेंसी होती है, सेल्फ रेप्लिकेशन की भी टेंडेंसी होती है। ये क्या करते हैं, सेल्फ रेप्लिकेशन यूनिट की तरीके से यहाँ पर काम करते हैं। आगे बात समझ, तो जो सेल्फ रेप्लिकेशन यूनिट है वो किसकी वजह से, डीएनए की उपस्थिति की ही वजह से। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, जब क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल के बाद ईटीएस सिस्टम है, ईटीएस सिस्टम के बाद पीएस है यानी कि फॉस्फोरिलेटिंग पूरा सिस्टम है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन जुड़ गए, जल बन गया और फॉस्फोरिलेटिंग सिस्टम से एटीपी का निर्माण हो गया। तो इस तरीके से जो रेस्पिरेटरी चेन है वो रेस्पिरेटरी चेन ऊर्जा निर्माण का काम पूरा करती है। तो ये तो था माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड उसके काम, उसकी संरचना और उसके बारे में शॉर्ट डिटेल। तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत से ऐसे प्रश्नों को शामिल करके यहाँ लेकर आए, तभी वीडियो वन डे डिले हो गया, क्योंकि कुछ चाह रहे थे कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, जो भी हम ऑर्गेनेल पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को वीडियो में इनपुट कर दे। जैसे ईटीएस कहाँ होता है प्रश्न पूछा गया है, ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं पूछा गया है, पावर हाउस ऑफ अ सेल किसे कहते हैं पूछा गया है, फिर विलाई और ट्यूबुलाई के बारे, सॉरी ट्यूबुलाई और किसमें प्रेजेंट होते हैं ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्या एक क्वेश्चन था जिसमें वो पूछा गया था कि ये वाला सेम क्वेश्चन, ये दो तरीके से पूछा गया था कि वाटर का जो निर्माण होता है वो किस तरीके से होता है, जो जल यहाँ पर बन रहा है, किस प्रक्रिया के तहत एडीपी एटीपी में कन्वर्ट होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो पीएस याद रखिएगा। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और हमसे किसी ने हमारे साथी ने ये कहा कि इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लिए जाएं, तो वही ऐड करने की कोशिश की है, लेकिन उनका कहना शायद ये था कि एक अलग से वीडियो सिर्फ ऑब्जेक्टिव फोकस्ड बनाया जाए। तो हम उनसे ये कहना चाहेंगे, यदि वो हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो हम जल्दी ही थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि सेक्शन कुछ कवर हो जाए जिससे कि अलग अलग परीक्षाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें लिए जा सके, तो जल्दी ही हम उन क्वेश्चंस को भी लेना शुरू करेंगे। तो फिलहाल आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, अगले वीडियो में हम नए सेल ऑर्गेनेल के बारे में बात करेंगे,
और माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जो बात होगी वो बात होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, यानी कि अंतःद्रव्य जालिका जिसको हिंदी में कहा जाता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शॉर्टली ER, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपसे जल्दी मिलेंगे। आप इन्फोनी कॉर्नर देखते रहें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, क्योंकि आपके शेयर, आपके कमेंट और आपके लाइक हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत है और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ऊर्जा का स्रोत बंद हो। तो अगले वीडियो में आपसे जल्दी मिलेंगे। आप सभी का लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।